एक बंदे को iPhone 12 Pro Max 12 या 15,000 में मिला। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको iPhones के जितने भी टॉप मॉडल्स हैं वो आपको काफी सस्ते में मिलेंगे। और यही नहीं, स्मार्टफोन्स के जितने भी ब्रांड हैं जिसमें हाई स्पेसिफिकेशंस हैं वो फोन्स भी आपको काफी सस्ते में मिलेंगे, और वो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं जो कि मेरे भांजा के हैं। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी है और परेशान भी है। वो बार बार मुझसे पूछ रहा है कि मामा फोन लूं कि नहीं लूं। ऑलरेडी वो आईफोन यूज कर रहा है लेकिन आईफोन के टॉप मॉडल्स जो है वो काफी सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है और वो काफी जल्दी में भी है। मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ जिसमें आईफोन के मॉडल्स और प्राइस भी मेंशन किया हुआ है। आईफोन 11 प्रो मैक्स का है 22,000 रुपया, और आईफोन 11 प्रो का 20,000, और आईफोन 11 का सिर्फ 13,000। और जो बंदा ये फोन सेल कर रहा है वो बोला है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। और मेरे भांजा ने जिस बंदे से बातें की हैं उसका सारा शॉट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस नंबर से है, +1 करके दिया हुआ है, लेकिन ये हिंदी में भी बात कर रहा है। लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दी डिजिटल मार्ट, COD नॉट अवेलेबल हेयर, 1,000 रुपीज बुकिंग चार्ज। मतलब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। इसके कहने का सेंस ये है कि जब आप बुकिंग करेंगे उसका 1,000 रुपये हम लेंगे पहले। पेमेंट एक्सेप्टेबल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनी UPI एप्लीकेशन। इसके कहने का सेंस है कि भाई कोई भी UPI एप्लीकेशन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फोन ऑर्डर होने से पहले आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, वो बुकिंग चार्ज है। और यहाँ ये भी मेंशन किया हुआ है, एवरी आइटम ओरिजिनल विद 1 ईयर ब्रांड वारंटी एंड 6 मंथ एक्सेसरीज वारंटी। एकदम कंपनी की तरह मेंशन किया हुआ है। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल, 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इससे क्या है कि लोगों का ट्रस्ट गेन कर लेते वो लोग कि भाई ये रिटर्नेबल पॉलिसी भी है, 7 दिन के अंदर भाई हम रिटर्न कर सकते हैं। अब मैं उसका पूरा खेल बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, आप देख सकते हैं, एक भारत एक QR। और मेरे भांजा बोला है कि अगर फ़ोन आ जाए तब मैं पेमेंट करूँ, तो नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, उसने ये चीज़ भी बोला हुआ है। और उसने ये भी मैसेज किया था कि सर फ़ोन ओरिजिनल होगा ना, तो बोला टोटली ओरिजिनल ब्रदर 100%। मतलब वो 100% गारंटी ले रहा है कि फ़ोन ओरिजिनल होगा। तो मेरे भांजा ने एक सवाल किया, तो भाई इतना कम में आप कैसे दे रहे हो, ओरिजिनल फ़ोन तो 80,000 का आता है। तो उसने ये चीज़ लिखा हुआ है, ये देखे, वैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक ना, मैं पढ़ के बताता हूँ। एवरी आइटम प्राइस इज वेरी लो बिकॉज आई एम अ कार्डर एंड आई एम डूइंग कार्डिंग। कार्डिंग इज प्रोसेस ऑफ CC हैकिंग। आई यूज दिस CC इन Amazon, दैट्स why वी गेट आइटम्स इन लो प्राइस। डोंट वरी, इट्स सेफ फॉर यू बिकॉज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी। CC क्रेडिट कार्ड। इसके कहने का सेंस ये है कि हम इतने सस्ते में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एक कार्डर हैं, कार्डिंग के माध्यम से हम फोन डिलीवर कर देंगे। ये कार्डिंग क्या होता है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्डिंग इज प्रोसेस ऑफ CC हैकिंग। CC हैकिंग का क्या मतलब होता है, क्रेडिट कार्ड हैकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, वो CC हैकिंग के अंदर आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड हैकिंग होती कैसे है। देखिए, सबसे पहले होता ये है कि जैसे जितने भी टॉप लेवल हैकर्स हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री के हो या फिर कहीं के हो, वो किसी बंदे का क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो चुरा लेते हैं। वो एक हैकर है, ठीक है, चाहे तो वो भी कार्डिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि डिटेल्स को चुरा कर किसी भी बंदे से बेच देते हैं, फिर वो कार्डिंग करता है। वो कार्डिंग कैसे करता है, उसके पास तो डिटेल्स है क्रेडिट कार्ड की किसी बंदे की, तो फिर उस डिटेल से अमेजोन से वो ऑर्डर करता है स्मार्टफोन्स, टीवी वगैरह कुछ भी। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई अमेजोन तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि अमेजोन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में बहुत बड़े हैकर्स भी होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी है सिक्योरिटी सिस्टम को देख रेख करने के लिए। इसलिए जो भी कार्डिंग करता है, जो बंदा कार्डर है, वो अमेजोन पे, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करके और फोन्स वगैरह को चेक करते हैं ताकि उसको लगे कि भाई ये बंदा जेन्युइन है। उसके बाद किसी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालकर ऑर्डर करते हैं और फिर वो बेचते हैं। क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो डार्क वेब पे मिलती है, लोग बिटकॉइन से परचेस करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मैंने सिंपल करके समझा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो बिटकॉइन से क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो खरीद लेते हैं, फिर उससे वो ऑर्डर करते हैं, फिर वो सस्ते दामों में बेच देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इसमें तो फायदा है,
क्यों ना हम परचेस कर लें। लेकिन नहीं दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमेज़न पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको पकड़ लेता है और फिर जो भी कार्डर है उसके अकाउंट को बैन कर देता है। तो फिर उस कार्डर का क्या हुआ? उसका पैसा तो लॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है उसने खरीदा है। तो फिर वो जो कार्डर है, जो बंदा है जिसके पास क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है, वो किसी अननोन साइट पे जाता है। और कुछ ऐसे कंपनी भी है जो आईफोन की तरह दिखने वाले एकदम सेम फोन बनाती है, लेकिन उसका जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, उसे पता चल जाता है कि भाई ये फेक है, लेकिन ऊपर से दिखने में आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो कार्डर जो है वो ऐसे वेबसाइट से आईफोन परचेस कर लेते हैं जो कि फेक होते हैं, टोटली फेक होते हैं। एक्चुअल में वो iOS नहीं रहता है, वो एंड्रॉइड रहता है, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम लगेगा। तो लोग जो है वो एडवांस में पैसे देकर फोन ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब फोन को अनबॉक्स करते हैं तो पता चलता है कि ये तो फेक फोन है यार, डुप्लीकेट है, चाइनीज फोन है। फिर आप सोचते हैं कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि फोन जो है वो आपके पास पहुंच भी सकता है जो कि चाइनीज होगा, और दूसरी चीज ये है कि फोन पहुंचेगा ही नहीं। 1,000 रुपया जो पहले मांग रहा है बुकिंग चार्ज के लिए, वो बुक्ड हो जाएगा उसका, मतलब 1,000 रुपया बुक्ड हो गया, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। फोन तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कार्डिंग का सी भी पता नहीं है, वो लोग बोले कि आई एम अ कार्डर, मैं एक कार्डर हूं और मैं आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स 12,000 में 15,000 में दे दूंगा और आईफोन 13 प्रो मैक्स 28,000 में दे दूंगा। ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, एक बंदे को आईफोन 12 प्रो मैक्स 12,000 या 15,000 में मिला था, फिर बाद में देखा तो चाइनीज फोन। और पता है उसने पैसे कैसे कैसे करके इकट्ठे किए थे? अपने भाई से मांगा, अपनी बहन से मांगा, दोस्तों से मांग के वो आईफोन खरीदा था जो कि फेक था, चाइनीज आईफोन, डुप्लीकेट फोन। फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेलिब्रिटी जैसा बनने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आईफोन खरीद लेते हैं, चाइनीज आईफोन। अरे यार, उससे अच्छा है कि आप एंड्रॉयड यूज करो, जो है सो है। अगर सेलिब्रिटी बनना है तो उस लेवल तक पहुंचो ना, क्या यार झूठ मूठ का शो ऑफ करने का। जो भी चीज करनी है रियल में करनी है। अगर आपको आईफोन यूज करना है तो एकदम रियल वाला यूज करना है, फेक आईफोन यूज करके क्या फायदा। और झूठ मूठ का दोस्तों को बोलेगा भाई मेरे पास आईफोन है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कार्डिंग जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसमें हैकर्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो चुरा कर किसी कार्डर को दे देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिंग। अगर आप कार्डिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहते हैं और डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और एक बात बताऊं आपको, अगर आप किसी कार्डर से कोई फोन परचेस करते हैं और आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। अगर आप जाएंगे तो उल्टा आप खुद फंसेंगे। क्यों? क्योंकि कार्डिंग प्रोसेस जो है वो इलीगल है। पुलिस आपसे मांगेंगे कि भाई आप चैट दिखाओ, तो चैट में रहेगा कि भाई आई एम अ कार्डर। फिर पुलिस आपसे सवाल करेगी कि जब इसने बोला कि मैं एक कार्डर हूं, मैं एक फ्रॉड हूं, तो फिर आपने क्यों फोन परचेस किया? तो इसमें क्या है कि उल्टा आप खुद फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान में रखें इस बात को कि कभी भी कार्डिंग से फोन परचेस ना करें। एक तो ये कि आपके पास फोन आने वाला है ही नहीं, 95% चांसेस है कि फोन नहीं आएगा। अगर हम 5% की बात करें तो उस 5% में आपको चाइनीज फोन मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग कार्डिंग के चक्कर में ना पड़े, उन लोगों के साथ में फ्रॉड ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।